गाइस आज हमारी सेकंड सर्विसिंग होने वाली है बाइक की, और देखा जाए तो 5200 जो मैंने आपको दिखाया था, 5266 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो फिर चलते हैं सेकंड सर्विसिंग कराते हैं और आपको बताते हैं कितना पैसा खर्चा होता है सेकंड सर्विसिंग में। तो गाड़ी की धुलाई चालू हो गई है, सर्विस लाइन एरिया में आ गया है और पूरा टंकी खोल दिया गया है, और सेकंड थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको ओपन कर देंगे क्योंकि एयर फिल्टर चेंज होना है सेकंड सर्विस में। कैसी हो गई गाड़ी, प्लग खोल कर अजीब सा दिख रहा है भाई, और एयर फिल्टर यहाँ पे देखिए निकाल करके साफ किया जा रहा है, पूरा साफ करने के बाद से एयर फिल्टर यहाँ लगाया जाएगा। पुराना वाला एयर फिल्टर ऐसा है काफ़ी गंदा सा लग रहा है। फिर 5000 चली गई है, और फिर उसके बाद से मोबिल खोल करके मोबिल चेंज होगा, मोबिल फिल्टर ऐसा निकल जाएगा। मोबिल फिल्टर फर्स्ट वाले सर्विस में भी चेंज हुआ था और इसमें भी चेंज होगा, मोबिल फिल्टर तो चेंज होना ही है। और उसके बाद से फिर कूलेंट तो है, कूलेंट अभी बचा हुआ है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस कूलेंट बचा हुआ है। मोबिल निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे मोबिल फिल्टर भी निकल गया। मेन बात है भाई देखना कितना पैसा लगने वाला है आज बाइक का सर्विसिंग कराने में। सेकंड सर्विस जो है, फर्स्ट सर्विस जो है आपको दिखाया ही था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख लीजिएगा, फर्स्ट सर्विस का खर्चा कितना आता है और सेकंड सर्विस का खर्चा भी तो आपको पता चल ही जाएगा। आज कुछ भी खराब है नहीं तो कुछ चेंज होना नहीं है, बस वही है जो सर्विस में लगेगा, तो देखते हैं कितना एक्सपेंसेस होता है सेकंड सर्विस का। और एयर फिल्टर भी लगा दिए हैं और टैंक को फिक्स कर रहे हैं, सारा कसा जा रहा है सारा। चैन क्लीन तो मैं जब वॉशिंग हुआ था तभी करा लिया था, और उसी टाइम होता भी है चैन क्लीन वॉशिंग के टाइम, तो चैन लुब्रिक भी कराना है क्योंकि 2000 किलोमीटर चल चुका मेरा लुब्रिक का। और अगर आज इनके पास होगा तो फिर मैं लुब्रिक वाला और क्लीनिंग वाला लेता जाऊँगा। देखिए ऐसे कुछ लुब्रिक होता है चैन का, तो अच्छा रहता अगर आप 700 किलोमीटर का चला लेते हैं तो चैन लुब्रिक कर रहे थे, क्योंकि आवाज़ बहुत अजीब सा लगता है चैन से, लुब्रिकेशन ज़रूरी है क्योंकि चैन जो है ओपन है, कवर तो है नहीं इस पर। आइए देखते हैं बिल कितना, 1208 रुपये का बिल आया है, तो सही है। तो फिलहाल सर्विसिंग आपने देख ही लिया और कितना बिल आया वही मैंने दिखा दिया आपको, तो चलिए फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं बाइक को फिर से 4000 किलोमीटर चलने के लिए, बाइक तैयार है चलिए फिर निकलते हैं यहाँ। तो भाई देखिए बाइक लड़ जाने से देखिए टूट गया है ढाला, अब बताइए इतना कमजोर ढाला हो गया भाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, ढाला न्यू लगवाया, ऑटोमेटिक ढाला कई दिन से लगा पड़ा है लेकिन अभी तक ढाला नहीं लगा है, और देखिए टूटा पड़ा है, चैन से इसको खींच करके पुलिस वाले उठा रहे हैं कर रहे हैं भाई, खैर देखिए सड़ गया था पूरा एकदम से, और 200 का भाई बाइक वाले का।